आधी रात को ओल्ड मालदा के मंगलबाड़ी बेहुरा रेल कॉलोनी इलाके में रेलवे के अस्थायी कैंप में अचानक आग लग गई और कैंप जलकर खाक हो गया। स्थानीय सूत्र के अनुसार एक जरूरतमंद परिवार रात के पहरेदार के रूप में शिविर में रहता था। इस आग के परिणाम स्वरूप परिवार का सब कुछ जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल व दमकल की गाड़ी ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी मिली है कि इस कैंप में 2015 से पुतुल सरकार नाम का मजदूर अपनी पत्नी और मानसिक रूप से विक्षिप्त पुत्र के साथ रह रहा था। बीती रात घटना के समय पति पत्नी बाहर गए हुए थे। मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़के के अलावा घर में कोई नहीं था। यह आग इतनी तेज थी कि टीन का घर पूरी तरह से जल गया और घर में एक भी सामान सही सलामत नहीं मिला। स्थानीय लोगों की मांग है कि ऐसे में प्रशासन असहाय परिवार का सहयोग करे। मालदा जिला दमकल विभाग के ओसी विश्वजीत मंडल ने कहा कि आग की तीव्रता भयानक थी, लेकिन उनके प्रयासों से आग पर काबू पा लिया गया। आग कैसी लगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। এখানে একটা বাড়ি ছিল, মানে নিসহায় লোক ছিল, ও মানে পাগল আছে, ও এখানে জোগাতো। এই জিনিসটা রেল কোয়ার্টার ই ছিল, গরিব মানুষ থাকতো এখানে। আচ্ছা, তারপরে কি করে আগুন লেগেছে সেটা তো বলতে পারবো না। ও তো আগুন লেগে গেছে, ওটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে, মানে কিছুই নাই। সব যা ছিল টাকা পয়সা যা ছিল বাড়িটা মানে কাপড় ধরে যা ছিল কোনো জিনিসই নাই, সব কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে পুরো। তার জন্য আমরা বলছি সরকারকে যে কিছু একটু সহযোগিতা করুক। আপনার নাম? আমার নাম নূর জামাল শেখ।